नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। दोस्तों, कोरोना जैसी विश्व महामारी के चलते सिरसा भी इस समय लॉकडाउन की स्थिति में है। वैसे तो सिरसा का इतिहास वैभवशाली रहा है। सिरसा प्राचीन संस्कृति, प्राचीन इतिहास, ज्ञान और विज्ञान के मामले में आध्यात्मिक रहा है। इसका जिक्र आज हम इसलिए भी कर रहे हैं कि इतिहास में पहली बार इतने लंबे समय तक सिरसा का जनजीवन रुका हुआ, थमा हुआ सा है। पहली बार इतना लंबे समय तक लॉकडाउन रहा, या फिर इससे पहले डेरा विवाद के चलते काफ़ी लंबे टाइम तक कर्फ्यू रहा। हालांकि इस समय पूरे भारत में लॉकडाउन है, वैसे ही सिरसा की सड़कें और गलियां मानो बंद हैं। इसलिए हम निकल पड़े सिरसा की गलियों और सड़कों पर, क्योंकि जब लॉकडाउन नहीं होता है और जनजीवन आम दिनों की तरह चलता है तो शहर की कुछ तस्वीरें लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज हम उन्हीं गलियों और सड़कों को दिखाएंगे जो सैकड़ों सालों से कभी बंद नहीं हुई। सिरसा के इतिहास पर हम कई बार वीडियो बना चुके हैं, आज भी कुछ जानकारियों के साथ हम सिरसा के बारे में बताएंगे। कहा जाता है कि 1300 साल पहले राजा सरस द्वारा सिरसा को बसाया गया था, लेकिन सिरसा का इतिहास कुछ इतिहासकारों ने लगभग 3400 वर्षों से संजो के रखा है नई पीढ़ी के लिए, ताकि आने वाले समय में उनको कुछ मूलभूत जानकारियां दी जा सके। तो आइए चलते हैं दोस्तों अब सिरसा की उन सड़कों पर जो हमें इतिहास की ओर भी ले जाती हैं। अब हम यहां से बस स्टैंड की तरफ से आए हैं, पुल को क्रॉस किया है और इस समय हम पहुँच रहे हैं परशुराम चौक, और इससे पहले अंबेडकर चौक जहां पर झूत्रा धर्मशाला भी है, पेट्रोल पंप भी है, और इसको हम क्रॉस करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि जयपुर की तरह सिरसा को बसाया गया था अंग्रेज़ों के ज़माने में। ये परशुराम चौक यहां पर आता है, और परशुराम चौक से अगर हम देखें तो भगत सिंह चौक और रानिया रोड की तरफ सीधी गली जाती है। यानी सिरसा को जब बसाया गया था तो उस बाज़ार की रचना ऐसे की गई थी कि बिल्कुल माचिस की डिबिया की तरह चौरस बनाया गया था, और हर गली आर पार होती थी। खूब चौड़ी सड़कें थीं। यहाँ ये आसपास के क्षेत्र के लिए एक व्यापारिक केंद्र भी था। परशुराम चौक के बारे में हम आपको बता दें कि यहाँ किसी ज़माने में बुद्ध चौक कहा जाता था। यहाँ पर अंग्रेज़ों के समय में एक अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया बुद्ध था। और अब हम भगत सिंह चौक की तरफ हैं। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि आसपास के जो भी रोड हैं और जो भी गलियाँ हैं वो आर पार आपको दिखाई देंगी। दोस्तों, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक जगह हैं, और यहाँ पर शुरुआत हुई थी। इधर भादरा बाज़ार भी जो है इस ओर पड़ता है, और इसकी दूसरी ओर अगर हम देखें तो सुभाष चौक आता है। अगर आप एक कतार में खड़े हो जाएंगे तो आपको बिल्कुल सामने हर चीज़ दिखाई देगी। यहाँ पर मटका चौक दिखाई देगा, दूसरी ओर सुभाष चौक आपको दिखाई देगा, और तीसरी ओर आपको भादरा बाज़ार दिखाई देगा, और चौथी ओर आपको परशुराम चौक भी सामने से दिखाई देगा। ऐसी स्थिति को बनाने के लिए अंग्रेज़ों ने पूरे इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया। एकदम सीधी गलियां यहां पर बनाई गई थी। इस समय लॉकडाउन है, और लॉकडाउन के दौरान आप देख सकते हैं क्योंकि वाहन बहुत कम हैं, इसलिए तस्वीरें भी बिल्कुल साफ दिखाई देती हैं। हालांकि हर चौक चौराहे पर इस समय पुलिस खड़ी है, और बेहद ही साफ जो तस्वीरें यहाँ से आप देख सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि 21 दिन के लिए लॉकडाउन है, और आज उसका आखिरी दिन था, लेकिन आज इसे फिर से बढ़ा दिया गया है। कुछ ज़मींदारों और किसानों के लिए ये हिदायतें दी गई हैं कि वो जो है बाज़ार में कोई सामान खरीदना है, कोई फसलों के लिए कोई सामान खरीदना है या फसल को बेचना है तो उसके लिए वो मंडी में आ सकते हैं और दुकानों से सामान खरीद सकते हैं। इसलिए जो आपको रौनक दिखाई दे रही है वो इसलिए है। किराना की दुकानें भी बहुत कम खुल रही हैं। हालांकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि जो है किराना की दुकानें खुली रहेंगी, सब्जियों की दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन बड़े ही ध्यान से।
सभी प्रकार के प्रिकॉशन लेते हुए आप लोगों को जाना है, मुंह ढांक करके जाना है और ख़ासकर सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग आपने ज़रूर करना है। जो नियम बनाए गए हैं उनका उपयोग आपने करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो गलियां हैं वो आर पार आपको दिखाई देंगी। भादरा बाज़ार यहाँ नज़दीक है और ये जो आसपास के जो गांव हैं उन सभी के लिए एक व्यापारिक केंद्र है और यहाँ पर बहुत सारा जो सामान है वो गांव के तरफ जाता है। चाय पत्ती, गुड़, चीनी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। विवाह शादियों के लिए भी यहाँ से सामान पूरे आसपास के क्षेत्र में भेजा जाता है। दोस्तों, भादरा बाज़ार से लेकर के रानिया रोड तक कई ऐसी यहाँ पर बिल्डिंगें हुआ करती थी, हवेलियाँ हुआ करती थी, जो सेठ लोग हैं उनकी यहाँ पर पुरानी इमारतें हुआ करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे जो है वो कम हो गई हैं, क्योंकि आधुनिकता का ज़माना है और आधुनिकीकरण इस दिशा का बड़े अच्छे ढंग से हुआ है। यहाँ पर गलियाँ वही हैं, चौड़ी सड़कें हैं, परंतु अब स्थिति कुछ अलग हो गई है। बिल्डिंगें काफ़ी ऊंची ऊंची हैं और शोरूम यहां पर जो है बना दिए गए हैं। आप जिस चौक के अंदर जाएंगे वहां से आप आर पार गलियों को देख सकते हैं कि किस तरह से हर चौराहे को काट करके बनाया गया था। गलियां आर पार बनाई गई थी कि एक चौराहे से दूसरा चौराहा जो है स्पष्ट दिखाई दे। और आज जब हम ये वीडियो बना रहे थे तो उस समय बाज़ार में भीड़ काफ़ी थी। कारण ये था कि आज लॉकडाउन का आखिरी दिन था। हालाँकि लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, लेकिन लोगों को ये उम्मीद थी और अभी भी है कि कुछ ना कुछ राहत जो है इस दौरान दी जाएगी, और इसी को लेकर के लोगों ने सामान भी खरीदा है और ख़रीदने के लिए लोग यहाँ पहुँचे हैं। और इसी रोड के ऊपर दोस्तों आगे जब हम आगे की तरफ निकलेंगे तो घंटाघर चौक भी जो है ये इसी रोड का एक हिस्सा है। दोस्तों, सिरसा के नाम पर भी कई तरह की बातें चलती रहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सच है कि सिरसा आज़ादी के बाद में ये नाम पड़ा। सिरसा का शाब्दिक अर्थ शहरीज का है और इसी से ये शब्द बना है। इसे संस्कृत भाषा के अंदर प्रसिद्ध नामों में जाना जाता है, जिसका जिक्र पाणिनि को महाग्रंथ अष्टाध्यायी में भी मिलता है। कहा जाता है कि पांडवों के एक भाई नकुल ने शहरीज का को जीता था और आज इसका नाम सिरसा है। खैर, विद्वानों के अपने अपने विचार हैं। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि सिरसा क्षेत्र में सिरिस नामक एक पेड़ जिसे अल्बिजिया लेवेक कहा जाता है और ये काफ़ी मात्रा में पाए जाते थे, लकड़ी देने वाले ये पेड़ थे और इनका उपयोग विष का नाश करने में किया जाता था। और कहा जाता है कि सिरसा क्षेत्र में विषैले जीव जंतु अधिक पाए जाते थे, इसलिए इन पेड़ों को यहाँ उगाया गया था और पंजाबी भाषा में इन पेड़ों को शिरी कहा जाता है। इतना ही नहीं, सिरिश वन का वर्णन पतंजलि द्वारा भी किया गया था। दोस्तों, जैन धर्म में कुछ ऐतिहासिक पुस्तकों में सिरसा को सरस्वत नगर के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि मुगल महाराजा अकबर ने महान जैन ज्ञाता और जिनचंद्र सूरी को एक धार्मिक कार्य के लिए यहाँ बुलाया था, लेकिन वे रास्ते में सारस्वत पट्टा जो एक जगह का नाम था वहाँ रुके थे और उसे बाद में सिरसा कहा जाने लगा। दोस्तों, सिरसा कई बार उजड़ा और कई बार बना भी, इसलिए कुछ ऐतिहासिक लोगों द्वारा एक जुमला भी बोला जाता है कि सिरसा कभी सिरसा कभी निरसा। लेकिन कुछ का मानना है कि छठी शताब्दी में एक राजपूत राजा सरस ने सरस्वती के किनारे सिरसा को बसाया था, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि सिरसा का नाम सबसे पहले 9वीं शताब्दी में भोजा, जो कि एक परिहार राजा थे, उनके समय में सुनने को मिला था, जिन्होंने बहुत सारे पशुपति मंदिर भी बनवाए थे। हालांकि आज के समय में आधुनिक सिरसा का वर्णन आपको नागरिक परिषद सिरसा के एक उपक्रम में प्राचीन एवं आधुनिक सिरसा में मिल जाएगा। ये एक पुस्तक है, इसे आप कभी भी देख सकते हैं। सिरसा के बारे में उसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी हैं। कहा जाता है कि परिहार राजा के समय में इसमें पहली बार सिरसा कहा गया, क्योंकि उन्होंने एक मंदिर सिरसा में बनवाया था। अब कहीं कहीं सिरसा को सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। सरस्वती एक स्थान था जिसमें महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान व गौरी के बीच में युद्ध के दौरान वर्णन भी किया गया। 1837 में अंग्रेज कप्तान थोरम्बाय
जिन्होंने सिरसा को एक शहर के रूप में पहचान दी। 1837 से 1884 तक सिरसा जिला मुख्यालय के रूप में रहा था। अंग्रेजों के बहुत सारे ऐसे कामकाज थे जो यहीं से हुआ करते थे। अंग्रेजों के ज़माने की प्रमुख बहुत सारी ऐसी निशानियां हैं जो आज भी सिरसा के अंदर मौजूद है। 1 सितंबर 1975 को इसे दोबारा जिला बना दिया गया था। सिरसा आज आधुनिक रूप से एक समृद्ध शहर के रूप में प्रसिद्ध है। अगर इसके इतिहास पर नज़र डालें तो वह ऐतिहासिक रूप से भी उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध स्थान भी है। कई कारण हैं जिसके में इसकी प्रसिद्धि विश्व स्तर तक भी हो चुकी है। हालांकि यहां के लोग बेहद संपन्न हैं और जमीन उपजाऊ होने के कारण फसल भी बहुत अधिक होती है। सिरसा के इतिहास को अगर टटोला जाए तो यह बहुत ही अच्छे और बुरे दौरों से गुजरा है। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ के लोगों का भारत के स्वतंत्रता संग्राम में और बाद में राजनीतिक जीवन में गहरा योगदान भी रहा। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक व्यक्तित्व हैं जो यहाँ पर पधार चुके हैं। वहीं यहाँ के लोगों का जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में बड़ा योगदान भी रहा है। खैर, सिरसा के नाम की शुरुआत चाहे कहीं से भी हुई हो, लेकिन एक बात सिरसा में प्रसिद्ध रही है वो ये है कि इस जमीन ने बहुत सारे दौर देखे हैं। यहाँ की इस भूमि पर बड़े बड़े ऋषि मुनियों और महान पुरुषों ने अपने चरण डाले। कहा जाता है कि एक ऐसा प्रसिद्ध स्थान है जिसे चीला साहिब गुरुद्वारा कहा जाता है। यहाँ पर गुरु गोविंद, कहा जाता है कि किसी समय में उस प्रसिद्ध स्थान गुरुद्वारा चीला साहिब की जगह पर एक तालाब हुआ करता था और गुरु नानक साहिब यहाँ पर पहुँचे थे, इसलिए स्थान का नाम गुरुद्वारा चीला साहिब रखा गया। इतिहास में कई जगह वर्णन है कि सिरसा 20 से 21 बार बसा और उजड़ गया। सिरसा में जो मौजूदा थेहड़ है, इस तरह के कई और थेहड़ भी थे। ये विशाल टीला ऐसे ही नहीं बना। सिरसा उत्तर भारत के प्राचीनतम शहरों में से एक था। शहर के आसपास बनी, नकोड़ा, करीवाला, बनवाली, इन सब जगह कई प्रकार के थेहड़ मौजूद हैं। इन सब को देखने के बाद आभास होता है कि कभी सरस्वती के किनारे बहुत आबादी रहा करती थी। यहाँ पर इस समय कई बार खुदाई भी हो चुकी है। वहाँ से सीसवाल सभ्यता का भी पता चला, जो कि हड़प्पा संस्कृति से पहले की है। ऐसा माना जाता है कि ये लोग गायें, बकरियाँ व सुअर पालते थे। उनके पास तांबे और पत्थरों के औजार भी हुआ करते थे। ये लोग मूल रूप से छोटे कद के, काले रंग के व चपटे नाक और घुंघराले बालों वाले हुआ करते थे। ईसा से पूर्व 2700 वर्ष पहले ये राजस्थान से सिरसा की भूमि पर आए थे। ये लोग कहा जाता है कि निर्माण में भी निपुण थे। वे सीधी गलियां बनाते थे और पानी की निकासी का अच्छा प्रबंध भी उनके पास था। सोना, चांदी, कांस्य और तांबे के बर्तनों का वे प्रयोग करते थे, लेकिन उस समय वे लोहे से परिचित नहीं थे, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग का नाम दिया जाता है। उस समय सिरसा क्षेत्र में सीसवाल रहते थे, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने सीसवाल लोगों को बाहर कभी नहीं निकाला, बल्कि वे उन लोगों के साथ हमेशा रस बस गए। कहा जाता है कि 1500 वर्ष पहले हड़प्पा सभ्यता के लोग कुछ नए लोगों से मिले थे और नए लोग आर्य थे, और ये नकोड़ा, करीवाला, बणी और रानियां इत्यादि क्षेत्रों में आकर बसने लगे। सिरसा का इतिहास महाभारत युग से भी है। कहा जाता है कि इंद्रप्रस्थ के राजा और पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर ने एक विशेष यज्ञ करवाया था। उसके छोटे भाई नकुल और रोहत, जिन्होंने रोहतक और महम को जीतने के बाद सिरसा को जीता था। उस समय सिरसा को शैरिश का कहा जाता था। यह राज्य करु साम्राज्य में मिल गया था। कहा यह भी जाता है कि 324 तक यहाँ पर कई छोटे छोटे राजाओं ने राज किया, क्योंकि तब तक चंद्रगुप्त मौर्य ने इस क्षेत्र को नहीं जीत लिया था, लेकिन बाद में यह मौर्य साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग भी बन गया, क्योंकि यहाँ पर टेराकोटा से बनी हुई बहुत सारी मूर्तियाँ मिली जिसका संबंध महाराजा अशोक से होता था। और ये मूर्तियाँ कहीं ना कहीं इस बात की ओर संकेत करती है कि महाराजा अशोक के पुत्र नकुल कुनल का इस क्षेत्र में संबंध था। तो दोस्तों, सिरसा का इतिहास वैसे तो काफ़ी लंबा है, इसे एक बार फिर हम किसी अन्य वीडियो में अवश्य बनाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आप तक पहुंचनी चाहिए।
और उसके साथ हम कई ऐसी तस्वीरें आपके सामने लेकर के आएंगे जो ऐतिहासिक सिरसा से आपको रूबरू करवाएंगे। इसी के साथ आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट।